तो फुआ आपको आरुष बहुत याद कर रही है, देखो कितना उदास है मेरा छोटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आप लोगों को प्यारे से गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। सो गाइस, मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, और आज फुआ जाने वाली है, तो गाइस मैं आप लोगों से मिलाती हूँ। फुआ आती है तो बहुत अच्छा लगता है, बट फुआ जाती है तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। आरुष मिल के गया है, तो गाइस मैं आप लोगों को फुआ से भी मिला रही हूँ, और आरुष कैसे अपने फुआ से मिल के गया ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बुआ चली जाएंगी, जय किया, चलो बाय बाय करो, जाओ स्कूल। बाय बाबू, ये लो बैग लो। बाबू बाबू मस्ती मत करना हाँ, चलो बाय जाओ। फोन करना बाबू, आरुष बाबू गाइस। ये देखिए फटाफट हो रही है मेरी बुआ रेडी जाने के लिए। बुआ को कितना मैं बोली कि बुआ रुक जाओ रुक जाओ, सिर्फ 2 दिन के लिए आती है और बुआ भाग जाती है। कितना भी बोलो कि बुआ रुक जाओ, ऐसा लगता है जैसे यहाँ मैं काम कराती हूँ इनको मायके में। कुछ नहीं, एक चम्मच धोती ही नहीं, खाली रानी बन के रहती हूँ यहाँ पर की। तो फिर इसके लिए तो बोलती हूँ बुआ थोड़ा रुको आप। इतना आराम की आराम करते करते और मोटी हो जाऊंगी, पता चला दरवाजा वरवाजा एकदम और बड़ा करना पड़ेगा। नहीं बुआ, मेरी बुआ कितनी पतली हो गई इस बार तो बहुत ज्यादा। नहीं यहाँ पर यहाँ मायके पर आऊंगी बहुत मोटी हो जाऊंगी। तो इसका मतलब आपको मायके में अच्छा नहीं लगता है? बहुत अच्छा, इतना आरुष पूरब का मया है नहीं आपको? इतना खुशी मिलता है, बच्चे लोग इतना खुश खुश देख रखते हैं कि मतलब हंसते रहो हंसते रहो, बिगड़ पैसे कैसे, यहाँ पैसा देख के सब लोग हंसते हैं, यहाँ पर ऐसे ही खुशियाँ मिल रही है। बिना बात की हम लोग हंसते रहते हैं, एनी टाइम आप हुआ। हाँ यहाँ पर तो ऐसे ही खुशी मिल जाता है। कोई बात न रहे, हम दोनों बस मिल जाए बस। बिना बात के हंसेंगे, लोग बोलेंगे कि पागल हो गए हैं दोनों, कुछ बात भी नहीं करते हैं और फिर भी हंसते रहते हैं दोनों। आप हुआ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है बेटा। आरुष आएगा तो लेकिन उदास हो जाएगा पूरा। आरुष मेरा बोले जब तक मैं बड़ा नहीं होता हूँ ना बुआ, तब तक आप इधर ही रहना, बड़ा हो जाऊंगा जब ही जाना। हाँ फिर भी उसकी बुआ नहीं रुकी, कह रही फिर कह रहा है कि अच्छा बुआ आप 2 दिन के लिए रुक जाओ, कल मत जाओ बुआ, लेकिन बुआ तो सुन नहीं रही है। क्या करूँ बच्चा, बुआ को तो पार्टी में जाना है। हाँ आज वहाँ दिल्ली जाना है। आप जा रहे हो तो रोऊंगी, रोऊ चाहे हंसू, आपको क्या करना है? नहीं रोना होना मत अंजलि, अच्छे से रहना, हंसते रहना, और सोचना मेरी बुआ इधर हॉल में बेडरूम में यहाँ वहाँ है, बुआ कुछ ना कुछ खा रही है। आरुष आएगा तो ढूंढेगा आपको, आरुष आएगा तो, आरुष आएंगे तो बोलना रोना मत मेरा बच्चा, मालूम है मेरे 2 दिन से तने बदन में पुछवा रहे थे। अच्छा, नहा वहा करके कपड़ा पहना देती, बाल में कंघी लगा देती, इतना बोली बेटा झगड़ा मत करना भाई से, मैं नहीं करूँगा। चलिए चलिए नीचे, आपके बेटा जी इंतजार कर रहे हैं, कब का गए हैं वो, फुआ तैयार होने में टाइम लगाती है। तब फुआ आप कब आओगी? मैं जल्दी आऊंगी अंजलि, बेटा जल्दी से पूजा वगैरह सुनो, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी से पूजा सुनो। हाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम रहेगा ना? हाँ हम बिना प्रोग्राम का आपको बुला लेंगे। हम प्रोग्राम नहीं रखेंगे। चलो फुआ बाय बाय। बाय बाबू, बाय। चलो बाय, फोन भी आ गया, फुआ भागो आना, बाय बाय जल्दी से आना, और अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा चलो, मत जाओ मत जाओ फुआ मत जाओ, जाकर आ जाती हूँ। हाँ जल्दी से आओ जाके, चलो बाय जाके आती हूँ, बाय बेटा बाय। गाइस फुआ तो चली गई है और अभी से अच्छा नहीं लग रहा है। फुआ आती है या आने वाली होती हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है फुआ के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं और फुआ ऐसे पागलों जैसा हंसते रहते हैं एनी टाइम, मतलब कुछ भी हो तो मस्त मज़ा आता है फुआ के साथ। इसके लिए मैं सोचती हूँ फुआ हमारे यहाँ काफ़ी टाइम तक रहे, फुआ हमेशा आती रहे और हम लोग मस्त मस्ती करें। और मेरे बच्चे लोग को, आरुष पूरब को भी बुआ के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा। और मेरा आरुष पूरब वैसे कोई आता है तो जल्दी किसी के पास सोते नहीं है, बट बुआ आ जाएगी उनके साथ सोएंगे, उनको दवा देंगे, सब कुछ करेंगे,
देखती हूँ आरुष आने के बाद क्या करता है। सो गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आएगा तो स्कूल से, अभी तो स्कूल गया है। कोई तो आया है घर पे, कोई तो आया है घर पे, कौन आया है देखते हैं। अरे कोई तो छुप गया है, कौन है? कोई नहीं है, दरवाजा बंद कर देती थी मैं डोर को। अरे अपने से बंद हो गया, हवा चल रही है जोर से। ये मेरा छोटा सा राजकुमार आ गया। क्यों? तुम्हारी बुआ ट्रेन गई? इधर देखो, बुआ की याद आती है कि नहीं? थोड़ा बुआ को बोल दो जल्दी आओ बुआ। बोले थे ना, लेकिन फुआ नहीं सुनी ना? सुनी थी। क्या बोली तेरी फुआ? बोली मैं जल्दी आ रही हूँ। अच्छा फिर कितने दिन हुआ? एक और रक्षाबंधन। एक और, वो एक साल के बाद आएगा एक और रक्षाबंधन। याद कर रहे हो फुआ को? याद आती है? सो तो फुआ आपको आरुष बहुत याद कर रही है। देखो कितना उदास है मेरा छोटा सा बच्चा, बहुत उदास हो जाता है। आप आती हो तो एकदम खुश हो जाता है, और आप जाते हो तो कितना उदास हो जाता है। हुआ जल्दी से आना। तो गाइस रात के बज गए हैं 11, और बच्चे लोग स्कूल का होमवर्क करके, ट्यूशन का होमवर्क करके सोने चले गए हैं। और आज हुआ चली गई तो 2-3 दिन इतने हम लोग हंस रहे थे, इतना मस्ती कर रहे थे, पूरा दिन कैसे बीत जाता था पता नहीं चलता था। बट आज दोपहर से थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और मैं एक बार भी अपना फ़ोन भी नहीं उठाई कि चलो कुछ ब्लॉग बना लेती हूँ बच्चे लोग का, किसी का, या कुछ भी ऐसा मन नहीं किया। और आज मैं कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाई, बस बुआ गई बस वही सब ब्लॉग बनाई। सो गाइस कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे और अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये देखिए बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। कल परसों भी बारिश हुई थी, बट लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज़्यादा, ऐसा जैसे गांव में गर्मी पड़ती है वैसे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब बिना एसी का आप बैठ नहीं सकते, और किचन में अगर आप रोटी बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो इतनी गर्मी लगती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो गाइस कमेंट करके आप भी ज़रूर से बताइएगा कि आपके यहाँ भी इतनी गर्मी है या सिर्फ हमारे वापी गुजरात में इतनी गर्मी है। सो गाइस मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।